मैम, यहाँ पे आप देख सकते हो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छा डेकोरेशन बनाया हुआ है। सो अब मैं जा रही हूँ चेन्नई, और चेन्नई में क्या क्या करती हूँ वो तो मैं आपको व्लॉग में बताऊँगी, बट अभी के लिए मैं आपको दिखाऊंगी। काफ़ी इंटरेस्टिंग सा है, पेपर कटिंग का कुछ किया हुआ है, तो मैंने सोचा क्यों ना ये दिखा दूँ। मे बी ये मैं किसी पार्टी थीम में आई कैन यूज़ दिस डेकोरेशन। ये उन्होंने शायद कार्डबोर्ड से किया है या ग्लास से किया, मैं समझ नहीं पा रही हूँ। आई थिंक ये फाइबर है, बट आप ये चार्ट पेपर के साथ भी कर सकते हो इस तरह का, मे बी वाटर थीम या जो ना एयर थीम जो होता है ना, फाइव एलिमेंट थीम, उसमें ऐसे कुछ डेकोरेशन आप कर सकते हो। सी सो प्रिटी। चलिए अब थोड़ी कॉफ़ी पी जाए, तो अभी हमने चेक इन वगैरह कर लिया है, तो अब जाएंगे कुछ कॉफ़ी पीने। यहाँ पे मैं सोचूँ कॉफ़ी पी लूँ, और आज का पूरा दिन जो है वो ट्रैवलिंग में जाएगा। आई थिंक आई विल रीच चेन्नई बाय इवनिंग, और उसके बाद क्या क्या करते हैं वो तो मैं व्लॉग में आपको बताऊँगी। सो अभी देखते हैं। चेन्नई में भी उतनी बारिश है, एंड बारिश चल रही थी, और स्कूल्स वगैरह बंद थे 3 दिन के लिए बारिश की वजह से। सो इस तरह का जो फुल बारिश वाला जो है मौसम रहा था। अब देखते हैं कि चेन्नई में कैसा है मौसम। होपफुली थोड़ी सी धूप मुझे देखने को मिलेगी वहाँ पे, और बस अभी भी थोड़ा वेट कर रही हूँ, फ्लाइट डिले है। तो फ्रेंड्स, अभी मैं लैंड कर चुकी हूँ, और अभी मैं एयरप्लेन के नीचे ही खड़ी हूँ क्योंकि मैं बस का वेट कर रही हूँ ताकि मैं एयरपोर्ट तक पहुँच सकूँ। तो अभी फ़िलहाल मैं रनवे में यहीं पर खड़ी हूँ, यहाँ पे हमारा एयरप्लेन लैंड हुआ है, और इस तरह का व्यू मुझे दिखाई दे रहा है। बहुत ही ट्रेडिशनल ब्रास की मूर्ति इस तरह की बना रखी है। देखिए, मैंने आपको कहा था ना, यहाँ पे इतने सुंदर सुंदर विंटेज एंशियंट मूर्ति हैं, इतना बहुत ही सुंदर तरीके से इन्होंने सजाया है। बहुत ही ट्रेडिशनल तरीके का डेकोरेशन है। सो आप इसे इंस्पिरेशन ले सकते हो अगर आप जो है इस तरह के जो विंडोज़ हैं वो आप अपने टेरेस में, या जो इस तरह का जो है रूफ आप कर सकते हो। चलिए चलते हैं, देखते हैं झटपट हमारे बैग्स आते हैं या नहीं। कर रही हूँ, हस्बैंड बोल रहे हैं मैं तुम शूटिंग करती रहो, मैं जो है फटाफट से बैग ले लेता हूँ। तो मेरे हस्बैंड को ढूंढ लिया, वो फाइनली मुझे मिल चुके हैं। सो अभी जो है बस बैग लेते हैं। एक दिन में यहाँ पे कितने बैग आते होंगे आप सोचो, जैसे मेरी एक फ्लाइट के इतने सारे बैग हैं, वैसे इतनी सारी फ्लाइट्स यहाँ आती हैं, और इतने सारे जो है बैग्स इसी बेल से जाते होंगे। तो जो मैन मैनेजमेंट है, जो माइक्रो मैनेजमेंट होता होगा, कितना औसम है।
जनरली ना मैं मेरे बैग को एक ऐसे पिंक कलर का रिबन लगाती हूँ। आप देख सकते हो इतने सारे ब्लैक बैग्स हैं मोस्टली सबके। मैं आपको एक ट्रिक बताती हूँ, शायद आप मोस्टली आप लोग ये करते ही होंगे। तो जनरली जो है आप, मैं अपने बैग को ना कोई पिंक कलर का या कोई अलग सा यूनिक कलर के रिबन टाई कर देती हूँ। तो जैसे ही यहाँ से बैग आती है तो रिबन देख के मुझे समझ में आता है कि ये मेरी बैग है। तो आप ये ट्रिक आजमा सकते हो ताकि बहुत सारी ब्लैक बैग्स की भीड़ में आप अपनी बैग को ढूंढ पाओ। सो कौन कौन ये ट्रिक करता है मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट में। चलिए फ्रेंड्स, बैग आ चुके हैं और बैग आते आते आज थोड़ा लेट हो गया था। आज सामान कम था पर लेट हो गया बैग आते आते। अभी बैग कलेक्ट कर लिए हैं और अभी हम निकल रहे हैं। ये बहुत ही सुंदर एयरपोर्ट है और बहुत ही शानदार सा एयरपोर्ट है। और मैं एक आपको नटराज की जो मूर्ति बता रही थी ना, वो मैं आपको बताती हूँ। बहुत ही सुंदर मूर्ति है और एक मिनट में आपको दिखा लेती हूँ। ये देखिए, मैं इसकी बात कर रही थी। ये इतनी ग्रैंड मूर्ति है और इतनी बड़ी सी मूर्ति है नटराज की, जो शिव जी का नाट्य रूप है उसकी ये मूर्ति है। आप मेरे पीछे देख सकते हो ये मूर्ति कितनी बड़ी है और बहुत ही सुंदर मूर्ति है। आई होप आज का वीलॉग आपको बहुत पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो जरूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ ही एक बेल आइकन होगा उसे भी जरूर दबाइएगा फ्रेंड्स, ताकि मेरे हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जरूर मिले। थैंक यू फॉर वॉचिंग अमृता अमृता ऑफिशियल। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। बाय।